और चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आपको जानकारी दें कि जैसलमेर समेत देश भर में आज प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर गणपति बप्पा के दर्शन पाने के लिए भक्त लंबी कतारों में लगे हुए हैं, लेकिन आज हम आपको जैसलमेर के एक प्रसिद्ध चुंधी मंदिर लेकर यहाँ पर चलते हैं। जैसलमेर के चुंधी गणेश मंदिर का इतिहास 1500 साल पुराना है। कहते हैं यहाँ स्वतः प्रकट हुई गणपति बप्पा की प्रतिमा के चरणों में सूर्य की पहली किरण उनका वंदन करती है। इंद्रदेव स्वयं यहाँ नदी में विराजित प्रतिमा का अभिषेक करते हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर भी मंदिर में विशेष सजावट के साथ ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। प्रथम पूज्य गणपति के दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। गणेश चतुर्थी को लेकर जैसलमेर के चुंधी गणेश मंदिर में लोग आ रहे हैं और आपको दर्शन करवाते हैं, क्योंकि मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले जो काम है वो गणपति बप्पा के दर्शन करने का है। आप जो है दर्शन करिए, देखिए कितना विशेष जो है वो श्रृंगार किया गया है। सुबह मंगला आरती के साथ ही जो है वो बप्पा के दरबार में भक्तों का आना शुरू हुआ था। देखिए स्वर्ण मुकुट चढ़ाया गया है और कहते हैं कि सूर्य की दिशा से जब पहली किरण गणपति बप्पा के चरणों में आती है और यहाँ पर चलने वाली प्रसिद्ध जो पुरानी प्राचीन काक नदी है वो इनका जो है वो अभिषेक करती है, और उसके बाद जो है ये अभिषेक होने के बाद आज का मेला भरा जाता है। इस बार जो है मेला जो है वो भव्य है और हजारों की तादाद में कतारें लगाकर लोग दर्शन करें। मेरे साथ पंडित सतीश चूरा, उनसे बात करते हैं, कितना उत्साह है आज? बहुत ही उत्साह है और आज पैदल यात्रियों की संख्या पहले मेले से ज्यादा है, करीब 5-10 हजार मेरा आइडिया है, क्योंकि सुबह हमने 3 बजे भागा करना शुरू किया, उस समय लोग आने शुरू हो गए थे और खूब आनंद ले रहे हैं। मौसम भी बहुत ही प्यारा है। जय गणेश। कितना प्राचीन मंदिर है, क्या मान्यता है इस मंदिर को? ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, चयन ऋषि के अनुसार ये मंदिर है और ये नदी के अंदर लोग आते हैं, पत्थर से अपना घर बनाते हैं, उनका घर भी बनता है। बहुत श्रद्धा से आते हैं महाराष्ट्र से, जो हमारे यहाँ वायुसेना है, थल सेना है, उनके जो कर्मचारी है वो जब यहाँ दर्शन करने आते हैं बड़े खुश होते हैं कि उनको ये लगता है कि राजस्थान के अंदर नदी के अंदर ये गणेश जी हमने यहाँ भी देखा है। और अभी जो बारिश आई थी, बारिश के अंदर गजानंद ने जलाभिषेक किया था और बहुत ही प्यारा आनंद आया था। देखिए गणपति बप्पा का अभिषेक जो है वो खुद इंद्र देवता करते हैं और लगातार जो है वो भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। कई कार्यकर्ता जो है वो व्यवस्था संभाले हुए, उनसे भी बात करते हैं, कितना उत्साह और कितनी मान्यता है? शानदार, जोरदार, आनंददायक, बिल्कुल गजानंद जी महाराज का तो जो उत्साह आनंद है आज से 4 गुना है, पहले से 4 गुना चल रहा है और सब आनंददायक। और यहाँ जो अपने घर की और लेके आते हैं मनोकामनाएं पूरी होती है, गजानंद जी के आनंद में आना मिले, सभी लोग मनोकामनाएं पूरी होती है, गजानंद जी सबकी इच्छा पूरी करते हैं। जय गणेश। गणेश जी जो है हर किसी की मनोकामना पूर्ण करती है, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो है वो भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। लगातार सुबह से ही भक्त जो है वो कतारों में खड़े हैं और दर्शन कर रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तमाम लोग जो है वो जैसलमेर से गणपति बप्पा के दरबार में पैदल चलकर आते हैं और यहाँ आकर दर्शन करते हैं। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं, कितना उत्साह है, कितनी उमंग है आज, कितना आनंद आ रहा है? बहुत बढ़िया है, मजा आ रहा है आने में, दर्शन करने के लिए भावना है हमारी जब आए हम। देखिए लोगों की भावना है गणपति बप्पा के प्रति और आप तस्वीरें देखकर ये समझ ही सकते हैं कि लोग किस तरह जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। कतारें बड़ी लंबी लगी हुई है, आप देखिए मंदिर के जो मुख्य द्वार है वहां से लेकर यहाँ तक लगभग जो है 200 से 300 मीटर का रास्ता है और वो पूरा जो है वो भक्तों से भरा है। सुबह मंगला आरती और मुकुट जो है वो बप्पा को चढ़ने के बाद से जिस तरह दर्शन खुले थे, तो अभी तक जो है वो कतारें लगाकर पुलिस व्यवस्था में जो है वो दर्शन करवाए जा रहे हैं। काफी विशेष मान्यता है, कहते हैं कि यहाँ आने वाले भक्तों की तमाम इच्छाएं पूर्ण होती है और खासकर घर देने वाले गणेश, आशियाना देने वाले गणेश जो है वो गणपति बप्पा को उन्हें कहते हैं। और चुंधी गणेश मंदिर में किस तरह व्यवस्था है पुलिस ने संभाल रखी है? हमारे साथ SHO साहब, क्या व्यवस्था संभाल रखी, किस तरह भक्तों का हुजूम है? आप सुबह से ही करीब 3 बजे से पैदल जैसलमेर शहर से लोग आ रहे हैं और लगातार भक्त यहाँ पे आ रहे हैं और हमने सुबह 4 बजे से निरंतर गश्त और जगह जगह पे जाप्ता लगा रखा है और शांतिपूर्ण और निर्विघ्न सभी के दर्शन हो गणेश जी महाराज के, यही मेरी शुभकामना है। काकली नदी में स्थापित इस मंदिर का इतिहास खुद जैसलमेर से भी पुराना है।
बरसाती नदी के बीच बना ये मंदिर देश भर के मंदिरों में अपनी विशेष पहचान रखता है। खास बात ये है कि नदी मंदिर के बीच से होकर मूर्ति को डुबाते हुए निकलती है, लेकिन इसके बावजूद आज तक मूर्ति के आकार में कोई परिवर्तन नहीं आया है। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर सच्ची श्रद्धा और आस्था से घर बनाने की मन्नत मांगे तो उसकी इच्छा पूर्ण होती है। जैसलमेर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर में से एक चुंदी गणेश मंदिर, इन्हें नदी वाले गणेश, घर देने वाले गणेश, आशियाना देने वाले गणेश, इच्छा पूर्ण करने वाले गणेश, न जाने कितने ही नाम से जाना जाता है। 1500 साल से अधिक पुराना ये मंदिर और यहाँ आने वाले भक्तों का आस्था का सैलाब जो है वो आज उमड़ रहा है। और मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ जिसकी वजह से इन्हें घर देने वाले गणेश, ये आशियाना प्रदान करने वाले गणेश कहते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह जो है वो यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और अपना घर बनाते हैं। मान्यता है कि सूर्य की तरफ से आने वाली नदी बप्पा का अभिषेक करती है और ये इच्छा पूर्ण गणेश है। और जो इस नदी के पत्थरों से अपना घर, अपना आशियाना, अपना मकान बनाता है, हकीकत में उसके जीवन में वैसे ही जो है मकान और घर उसे मिलते हैं और भविष्य जो है वो यहीं से सुधर जाता है। और कहें कि कितना ही अंधकार में क्यों ना हो जीवन, वो उजाले से भरपूर होता है। मेरे साथ कुछ भक्त हैं, क्या कुछ मान्यता है और क्यों इन्हें घर देने वाले गणेश कहते हैं, बातचीत करते हैं। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, क्या कारण है कि बप्पा के मंदिर को जो है वो घर देने वाले गणेश का मंदिर कहते हैं और इस नदी का और जो है इस मान्यता का क्या महत्व? मेरे हिसाब से बहुत ही पुरातन ये मंदिर है और जब से हम बचपन से देखते आ रहे हैं यहाँ पर, अगर आपने पत्थर से केवल छोटी सी इमारत बना दी तो अगले वर्ष तक जब अगली गणेश चतुर्थी आएगी तो आपको अपना खुद का मकान बना हुआ नजर आएगा। और ये मान्यता ही नहीं है, ये पूर्ण भी होती है। और कौन कहता है कि चार दिन पहले पूरा इंद्र भगवान ने अभिषेक किया था भगवान का और आज ये मौसम खुला हुआ है तो भगवान खुद आकर गणेश जी का अभिषेक करते हैं। उसके साथ गणेश चतुर्थी आप देख रहे हैं, कितने लोग अपने अपने मकान के लिए क्या कहते हैं नींव रख रहे हैं। और भगवान एक बार आप आ जाओ, इतने सभी लोग पैदल आते हैं, भगवान के मंदिर में आते ही आपकी मान्यता पूर्ण होती है। देखिए तमाम मन्नतें इच्छा पूर्ण करने वाले गणेश है। कई लोग ऐसे हैं जिनके खुद के भी अनुभव है, जिन्होंने अपने जीवन में बप्पा की मेहरबानी से जो है बहुत कुछ हासिल किया। कितनी आस्था है मैं देखता हूँ हर वर्ष आपको। देखो मैं तो लगभग हर वर्ष यहाँ पे आता हूँ और वैसे मेरी तो खूब आस्था है और भी भक्तों की सभी की आस्था है। सभी जब इतने सब सुबह से करीब 3 बजे से लोग पैदल चलने शुरू हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और जो श्रद्धा से इच्छा रख के अपना मकान यहाँ पे बनाते हैं पत्थर से, उनका 100% गणेश जी मकान बनाते हैं और उनका मकान बन जाता है, उसमें कोई शक नहीं है। जो एक मंजिल का बना था उसका एक मंजिल का भी बन जाता है, कोई 2 मंजिल का बना था उसका 2 मंजिल का बना हुआ है। मेरा खुद का अनुभव है, मेरे पास मकान नहीं था, मैंने यहाँ पे मकान बनाया गणेश जी से अरदास की, मेरी इच्छाएं पूरी हो गई। इस तरह से सभी भक्तों की गणेश जी इच्छाएं पूरी करते हैं। बहुत ही मान्यता है चुंदी गणेश की है और कई सालों पुराना मंदिर है, करीब मेरी भी 55 साल उम्र होगी, मैं भी काफी सालों से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन बहुत ही जो भक्त इच्छा से लेके आता है उसकी इच्छा गणेश जी जरूर पूरी करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। देखिए बप्पा का पर्चा है और इसी पर्चे और चमत्कारों के कारण यहाँ के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक इस मंदिर को माना जाता है। कहते हैं ना कि अगर आप कुछ अपने दिलो दिमाग से चाहें तो पूरी कायनात उसे मिलकर आप तक पहुंचा देती है और बप्पा जो है उसी कायनात को कंट्रोल करते हैं। कहीं ना कहीं गणपति बप्पा के इस उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह है और घर देने वाले गणेश के दरबार में हर कोई अपने घर की मनोकामना लेकर पहुंच रहा है। श्रीकांत जैसलमेर।